सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित शर्मा और आज बात करेंगे #PianoLesson2। तो चलिए शुरू करते हैं, करें ना, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अपने जो पहले लेसन में बिल्कुल बेसिक सीखा था फ्रेंड्स, बातें कम काम ज्यादा। तो बेसिक में क्या सीखा था फ्रेंड्स, सिर्फ इन थ्री से, देखिए सी से हमने यहां से सीखा था। इसकी हमने क्या कहते हैं आपकी आरपेजियो, ठीक बोल रहा हूँ? हाँ ठीक बोल रहा हूँ। इसका हमने आरपेजियो बनाना सीखा था फ्रेंड्स। क्या था वो? एडवांस फर्स्ट लेसन, क्या मेलोडी थी राइट हैंड की, देखिए ये थी। ठीक है ना, ये हमने सीखा था। जो आज जितने भी मेरे सब्सक्राइबर या कोई न्यू है जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं पहला लेसन कौन सा है, तो यार चैनल में जाओ, वहां पे आपको पहला लेसन मिल जाएगा। तो उससे आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी फ्रेंड उससे आपको, और सीखोगे कुछ लेफ्ट हैंड मेलोडी, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको हम कैसे यूज करें, कैसे चलाएं ताकि वो राइट हैंड मेलोडी से मैच हो। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं फ्रेंड, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो पहले वाली वीडियो को देख चुके हैं और न्यू भी है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने क्या करना है, आज हमने हाथ इस लेफ्ट हैंड की मूवमेंट सीखनी है कि इतने में तो देखिए हमारे हाथ ने कवर कर लिया, देखिए इतने एरिया हमारा हाथ कवर कर रहा है, यहां से यहां तक हमारा हाथ कवर कर रहा है। मगर इसके जब हम जैसे कोई मान लो ऐसे यूज कर रहे हैं, इतने में तो देखिए मूव कर रहा है, इतने में कोई भी कर लेगा, बस मेन दिक्कत आती है यहां से लेकर इस ऑक्टेव पे आना, वो चीज आज हम सीखेंगे। देखिए कैसे, सी से सिखा रहा हूं अभी फ्रेंड, सी से सीखेंगे तो तभी एक बेस बनेगा। तो देखिए क्या करना है आज के लेसन में हमने, ये देखिए गौर से देखिए फ्रेंड इस चीज को, इतना करा पहले, इतने स्टेप को करिए 2 से 3 बार, 1 2 3, ठीक है, 1 2 करने के बाद हाथों की मूवमेंट देखिए कैसे करनी है, ये पहले वाली की तरह रहेगा, देखिए इतना करिए, थोड़ा तेज आ जाइए, इतना कर लिया तो समझो कि मैंने 50% कर लिया, अपने आपको वो दो, मोटिवेट दो कि मैंने, मोटिवेशन दो कि मैंने इतना कर लिया, देखिए और खुश हो जाओ कि मैंने इतना बजाया, इतना करा। उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए मेरा हाथ कैसे मूव करा, जैसे देखिए आपको क्या करें, बहुत मतलब इशू ना बनाइए इस चीज को, देखिए क्या है ये मेरा, जैसे मैं यहां पे आता हूं ये मैं अपना हाथ यहां से हटा लेता हूं, देखिए तो आपने हाथ को ऐसे मूव करना है, अपने हाथ को लूज कर लीजिए, देखिए जैसे इसको दबाते हैं तो हाथ को यहां से हटा लो, देखो आसान चीज है, बहुत ज्यादा आसान चीज है, मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं लगा था सीखने में। तो राइट हैंड मेलोडी वही रहेगी, देखिए वही राइट हैंड मेलोडी है जो पहले रखी थी, दोबारा देख लीजिए, इससे इसको मैच करेंगे। आ जाइए कैसे, फिंगर मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा थंब आ रहा है यहां पे, यहां पे ये छोटी वाली उंगली, ये चीज रखेंगे, देखो ये चीज बैठेगी फ्रेंड, देखिए दोबारा देख लीजिए, और वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, दो बार दबा दीजिए इस तरफ को लेफ्ट हैंड की तरफ, तो वीडियो पीछे हो जाएगी, ये आप सबको पता भी है, रिवाइंड कहते हैं जिसको फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलनी चाहिए। देखिए बहुत आसान था ये, बहुत आसान, इसको भी आप इजी लो, कुछ भी नहीं करा, दोबारा देखिए फिंगर की मूवमेंट, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो दोबारा करूंगा। देखिए क्या था, यहां पे हाथ को बिल्कुल लूज करना है, इसको दबाने के बाद यहां से हाथ हटा देना है, देखिए पहले एक ये रिदम बिठा लो अपने दिमाग के अंदर, हाँ यार मैं ये बजाऊंगा, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 5 6 7 8, ठीक है, इतना सीख गए।
और जो इतना भी नहीं सीखे, ठीक है फ्रेंड, अब जो इतना भी नहीं सीखे, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बजाए, नहीं बज रहा, तो देखिए उसके लिए भी सबसे बढ़िया फॉर्मूला उसके लिए देखिए क्या, हाथ को लूज कर लो, कोई जरूरत नहीं है कि उंगली आपने ऐसे ऐसे चलानी है, कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए क्या है देखो, अलग अलग करके बजा लो, छोटे बच्चे बजाते हैं ऐसे 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 करके, जैसे मर्जी देखे ऐसे ऐसे एक एक उंगली से बजा लो, पर यूज ये वाली उंगलियां करना है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके लिए कोई वो नहीं है कि मतलब चांस नहीं कि आप दूसरी उंगली यूज कर लो, ये नहीं, इसके उंगली वही यूज करो, बट उसको उंगली को उठा उठा के करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे 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 बजाओ, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे ऐसे बजाओ, आपने क्या करना है तो इससे क्या होगा, एक रिदम बैठ जाएगी दिमाग में और उंगली भी अपने आप चलने लगेगी। जब मैंने सीखा था तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सीखा था स्टार्टिंग में, देखो बिल्कुल ऐसे, इतना बजा लोगे तो डेफिनेटली कुछ 10-15 मिनट बाद या एक दिन बाद आप बजाने लग जाओगे। देखो ऐसे मेलोडी राइट हैंड की वही रहेगी सेम, लेफ्ट हैंड से देखिए कैसे मैच होगी, दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना, ये देखो इतना करा, फिर देखो यहां पे आना है, देखो तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, सब पता चल जाएगा। देखिए दोबारा प्ले कर रहा हूं एक बार, थोड़ा फास्ट प्ले करूंगा, ये बात हुई। चलो कोर्ड चेंज करते हैं, जैसे उस दिन हमने ये वाला कोर्ड लिया था, ठीक है, उस दिन हम ये कर रहे थे, तो आज क्या करना है देखिए, 1 2 3 4 वही सेम चीज रहेगी, बिल्कुल सेम चीज, देखो उसके बाद कॉर्ड चेंज, ये वाला पकड़ लेते, ये वाला पकड़ा था उस दिन क्या करा था, उस दिन ये करा था ना, आज करेंगे इतना कर लिया, एक अपना ही मजा आएगा पियानो बजाने में फ्रेंड्स। तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सिखाऊं फ्रेंड, बिल्कुल हल्का हल्का, देखिए फ्रेंड, अगर गलती होगी ना तो उतनी ज्यादा चांस होंगे कि आप जल्दी सीखोगे। गलती हो रही ये मत सोचो कि मैं नहीं बजा पाऊंगा पियानो, अरे गलती करो तभी तो सीखोगे, तो गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना निखर के आपका म्यूजिक निकलेगा। देखना उंगली को बिल्कुल नचाओ, डांस कराओ उंगलियों को फ्रेंड्स, देखो कैसे करना है, इसको भी सेम मेलोडी रहेगी, प्रोसेस है, इसको जरूर करें। और जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्लैक, जो हमारी ब्लैक वाली कीज है, इस पे हम कैसे अपने फिंगर्स को चलाएं, तो फ्रेंड जरूर देखना, तो इसमें भी काफी मजा आता है चलाने पे, देखिए जैसे कि